नमस्कार, आप सभी को मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बेट द कंपटीशन पे। तो हर बार की तरह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि चंद्रयान 3 के बारे में कुछ नॉलेज आपको होगी, और कुछ जो रही सही नॉलेज है जो कि आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव के साथ साथ आपको पता होनी चाहिए, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आप अपनी बेहतर सुविधा के लिए वीडियो को 1.5x पे करके भी देख सकते हैं, और साथ में ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी एमसीक्यूज मैं यहाँ पर करवाऊँगी वहाँ पर आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि जो पुराने DSSSB KVS के हमने पुराने पेपर को एनालिसिस किया है उसके बिहाव भी देखा जाए तो आने वाले दिनों में यहाँ से सवाल पूछने ज़रूर बनते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, और हर बार की तरह वीडियो को शुरू करने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, और साथ में जो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। इसरो का एक अहम रोल आप सभी जानते हैं, तो कुछ सवाल भी मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगी। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर जितने भी इमेजेस को आप देखेंगे अपने सामने, जितने भी क्वेश्चंस को आप अपने सामने देखेंगे, या फिर जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर सवालों के अलावा आपसे डिस्कस करूंगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि उन सबको भी आप अपने दिमाग में रखें, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको बेवजह दर्शाई जाएगी, चाहे वो इमेजेस की हम बात करें, चाहे कंटेंट की बात करें, चाहे क्वेश्चन फॉर्मेशन की बात करें, चाहे यहाँ पर हम कंपैरिजन की बात करें चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बारे में। हालांकि फोकस चंद्रयान 3 के ऊपर रहेगा, लेकिन 1 एंड 2 को भी कंपेरेटिवली स्टडी करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ताकि आप तीनों में अंतर बेहतर तरीके से जान पाएं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन, कोई सवाल तो ज़रूर पूछिएगा। तो सबसे पहले चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 की इमेज आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, है ना? तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चंद्रयान 1 जो अक्टूबर 2008 में भेजा गया था। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि चंद्रयान 1 या चंद्रयान 2 में से कौन सा मिशन हमारा कामयाब रहा था, यानी सक्सेसफुल रहा। चंद्रयान 3 तो था ही, उसमें तो कोई डाउट है नहीं आपको। 23 अगस्त को हम स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, है ना? और साथ में आपको ये बताना है कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में कौन सा मिशन हमारा सक्सेसफुल रहा, ठीक है? तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये सारे जो टर्म्स हैं, आपको ऑर्बिटर नजर आ रहा होगा, प्रज्ञान रोवर नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये काफी लूनर सरफेस नजर आ रहा होगा, विक्रम लैंडर नजर आ रहा होगा। तो चंद्रयान 2 जो जुलाई 2019 में गया था, टारगेट था हमारा भेजने का, वो सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा ये आपको कॉमेंट करके बताना है। मेरा फोकस 2 के ऊपर क्यों है ये काफी सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे, है ना? ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, इन तीनों के बीच में अंतर भी जानेंगे और यहाँ पर क्या क्या चीजें आप ये भी जान पाएंगे। ये ऑर्बिटर की इमेज आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मुझे जरा कमेंट करके बताइए ये जो इमेज है ये विक्रम की है या फिर यहाँ पर, माफ कीजिएगा, लैंडर की है या रोवर की है ना? ऑर्बिटर तो ये रहा आपका, ये जो इमेज आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है ये लैंडर की है या रोवर की है, ठीक है? लेक्चर पॉइंट देखिए, इंटरेस्टिंग बनाना काफी इंपॉर्टेंट है ना? जीएस का पार्ट, तो थोड़ा सा अवेयर तरीके से पढ़ेंगे चीजों को। चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में, 2 जुलाई 2019 में और अगस्त 2023 में चंद्रयान 3, इस डेट्स को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इंडियाज थर्ड डेट विद द मून, भारतीय कह सकते हैं कि पूरे विश्व में, बिल्कुल भारत के लिए न सिर्फ ये दिन बहुत बड़ा रहा बल्कि साथ में पूरे विश्व में हिंदुस्तान ने अपनी एक अलग खास पहचान दर्ज की। इंडियाज थर्ड डेट विद द मून की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है जो आप देखेंगे, है ना? तो कह रहे हैं कि इंडिया विल लॉन्च इट्स थर्ड मिशन। हमने ये तय किया कि तीसरा मिशन चंद्रयान 3 को हम मून पे भेजेंगे, है ना? 2020-21 में सरफेस पे भेजने की बात थी, टारगेट था कि सॉफ्ट लैंडिंग नियर द लूनर साउथ पोल के ऊपर कराएंगे, जो 2023 में हम कर पाए 23 अगस्त को, है ना? तो नेक्स्ट ईयर का ये प्लान था इनका, और प्लान सक्सेसफुल काफी हद तक रहा। और आप ये देखेंगे कि पहला जो पॉइंट ये कह रहे हैं कि GSLV Mark 3, ठीक है, लेफ्ट हैंड टू बी ऑपरेशनलाइज्ड फॉर लॉन्चिंग चंद्रयान 2,
ठीक है, कह रहे हैं कि ड्यू टू हैवी पेलोड की वजह से चंद्रयान 3 विल बी मच लाइटर एज नो ऑर्बिटर वुड बी स्टिकर ऑन इट, यानी कि बाकी जो 1 एंड 2 हुए थे उसके मुकाबले 3 चंद्रयान में जो भी पेलोडर भेजा गया था वो काफी हल्का था, है ना। और कह रहे हैं कि साथ में इसरो ने हाउएवर हैज नॉट स्पेसिफाइड द रॉकेट टाइप टू बी यूज्ड इन चंद्रयान 3। काफी खास पॉइंट है यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे। चंद्रयान 3 की क्या खास बात थी जो पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि जो पेलोडर था विल बी सिमिलर टू चंद्रयान 2, चंद्रयान 2 की तरह था, ठीक है, जो ये आपको ऊपर नजर आ रहा है ये वाला, ये इसका पेलोडर है ये यहाँ पर, ठीक है। कह रहे हैं कि सिंस इट विल नॉट कैरी एंड ऑर्बिटर एज पॉपुलेशन मॉड्यूल विल बी द एडेड टू द लैंडर, इसरो ने यहाँ पर कह रहे हैं कि बैकअप में रखा था लैंडर रोवर को ऑलरेडी, है ना, क्योंकि चंद्रयान 2 के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि उसके नाकामयाब होने के बहुत सारे कारण भी रहे, शायद ये सबसे बड़ा रीजन था कि उन्होंने यहाँ पर ये रिस्क नहीं लिया। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि जो ऑर्बिटर था यहाँ पर चंद्रयान 2 में, यहाँ पर ऑलरेडी जो था प्लेस कर दिया गया था यूज करके लैंडर रोवर को, ठीक है, कम्युनिकेट हुआ ये अर्थ के साथ और बाद में हैड अ मिशन लाइफ ऑन 1 ईयर, 1 साल तक उसकी लाइफ थी पूरी पूरी। एक्सटेंशन इन अ मिशन लाइफ क्या थी यहाँ पर, ऑपरेशनल थी आगे आने वाले 7 सालों तक। चौथा जो हम ये कह रहे हैं पॉइंट यहाँ पर कि जो लैंडर एंड रोवर था हमारा, है ना, जो लैंडर था और साथ में जो रोवर था, ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आने वाले दिनों में जो लूनर साउथ पोल है हमारा चंद्रयान 2 का, ठीक है, वहां पर पहुंचे, साथ में चेंजेस जो भी यहाँ पर हो रहे हैं उस सारी जो जानकारी है वो धरती तक भेजी जा सके। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी खास पॉइंट यहाँ लिखी है, आई डोंट नो कि मैं कहीं इमेज के बीच में थोड़ा सा आ रही हूँ, है ना, तो पीडीएफ भी आपको मिलेगी ना, तो आप वहां से भी बहुत अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। हालांकि वर्बली मैं बता देती हूँ, ये कह रहे हैं कि चंद्रयान 2 हमारा लैंडर रोवर जो था वो क्रैश हो गया, जो मैंने आपको पहला सवाल यहाँ पर पूछा था अभी हाल फिलहाल में कि 1, 2 में और 3 में से कौन सा क्या कामयाब हुआ था, तो पहला कामयाब हुआ था, ठीक है, जिसमें ऑर्बिटर था, दूसरा कामयाब नहीं हो पाया था, तीसरा कामयाब हो गया था, दूसरा क्रैश हो गया था, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे कि रिवील था डिटेल जो कि लैंडेड ने यहाँ पर रिवील किया कि क्या क्या रीजंस थे क्रैश होने की, तो वेलोसिटी लॉस कर गया था जिसकी वजह से वो क्रैश कर गया था। मिशन कॉस्ट अगर आप ये जानेंगे तो आपको जान के हैरानी होगी कि 2 के मुकाबले 3 की कॉस्ट बहुत काफी कम रही, जहां पर चंद्रयान 2 की कॉस्ट 960 करोड़ रुपए के आसपास थी, वहीं पर 3 की कॉस्ट 610 करोड़ रुपए ही रही, यानी कि ऑलमोस्ट आप देखिए कि 300 के आसपास जो कमी, 300 करोड़ की कमी हमें यहाँ पर देखने को मिली। और लैंडर रोवर में हमने 2 पर जो खर्चा किया उसको अगर छोड़ दे तो 3 पे हमारा 250 करोड़ रुपए का लैंडर रोवर था, प्लस 360 करोड़ रुपए का लॉन्च रॉकेट जो हमने किया था, ये जो इमेज आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे साइड में जो आपको बनी हुई नजर आ रही है GSLV-3 की है, ठीक है, जो अभी चंद्रयान 3 पे गया है, चंद्रयान 3 के दौरान भेजा गया है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि दोनों का भी कॉस्ट जोड़ ले तो कुल मिलाकर के 610 करोड़ है, दोनों का कॉस्ट तो बहुत बड़ी बात है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं पहले क्या है। क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे 139वां सवाल पूछा था, डाचीगम सेंचुरी कहाँ पर है, तो डाचीगम सेंचुरी आपका JNK में है, इस चीज को ध्यान में रखेगा, अभयारण्य है ये, ठीक है, JNK में इंपॉर्टेंट टेस्ट आप मार्क कर रहे हो, ये इमेज आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि असम में एक बड़ा फेमस वाइल्ड सेंचुरी पार्क है, उस पार्क का क्या नाम है, नेशनल लेवल का पार्क है, और वहां पर किस जो है पर्टिकुलर एनिमल की खासियत बहुत ज्यादा मशहूर है, ठीक है, चलते हैं आगे। मैं बता चुकी हूँ वैसे इसको, टेलीग्राम चैनल से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, अब तक जितना भी सारा कंटेंट जा चुका है, यूट्यूब से आप बाकी की जो प्रिपरेशन है वो कर पाएंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे टेलीग्राम के ऊपर, साथ में यूट्यूब के ऊपर भी। चलिए शुरू करते हैं 140वां सवाल, व्हाट इज द लॉन्च डेट ऑफ अ चंद्रयान 3, तो आपसे सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा पहुंचने की डेट अलग थी, क्या थी, 23 अगस्त 2023, ये लॉन्चिंग डेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लॉन्चिंग डेट आपकी क्या थी यहाँ पर, 14 जुलाई, ये आप देखिए, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 1 महीने 15 10 दिन के बाद, 10 दिन नहीं 9 दिन के बाद, 1 महीने 9 दिन के बाद यहाँ पर पहुंचा, तो आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, 14 जुलाई को लॉन्चिंग डेट थी और अप्रोच रीच करने की डेट 23 अगस्त थी, 1 महीना 9 दिन।
अभी देख भी पा रहे होंगे कह रहे हैं चंद्रयान 3 के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, नाम फुल फॉर्म याद रखिएगा, मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी वर्तमान में इसरो का जो हेड है वो कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कमेंट करके बताइएगा। कह रहे हैं कि जो एक्सप्लोरेशन मिशन था वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, इसरो ने लॉन्च किया था 14 जून 2023 को, और पहुंचा था ये 23 अगस्त 2023 को साउथ पोल के ऊपर, पहला देश बना पूरी दुनिया में। 3 का मिशन क्या था भाई, ये पूछ रहे हैं। चंद्रयान 3 मिशन रोवर नॉन इज व्हाट, जो रोवर था ये इमेज आपको जो नजर आ रही है ये रोवर है। मैं भी आपको लैंडर और रोवर में डिफरेंस भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है प्रज्ञान, वैसे तो ये इसका आंसर है। जो आपका मिशन चंद्रयान 3 पे भेजा गया था रोवर, उसका नाम प्रज्ञान है, ये जो इमेज नजर आ रही है ना। विक्रम आपका चंद्रयान 2 में भेजा गया था, इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। और चंद्रयान 2 पे क्या भेजा गया था, लैंडर भेजा गया था, रोवर नहीं भेजा गया था। ये देखिए ये लैंडर की इमेज है, जो विक्रम नाम उसका विक्रम है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। रोवर का नाम प्रज्ञान था, ओके। ये वाला मिशन हमारा फेल हो गया था क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, जिसके चलते ये मिशन हमारा कामयाब रहा चंद्रयान 3 में, ये चंद्रयान 2 में भेजा गया था, लैंडर यहाँ पर रोवर, है ना। डिफरेंस अगर पूछ ले तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। ये जो नजर आ रहा है ना आपको, ये वाली जो इमेजेस नजर आ रही है, ये सोलर पैनल कभी अगर आपने देखा होगा ध्यान से, है ना, ये कुछ ऐसी ही इमेज है और ये सोलर पैनल्स ही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहे कि नेम था यहाँ पर इसरो का विक्रम, कह रहे कि अकॉर्डिंग टू द इसरो चेयरमैन द नेम्स विक्रम फॉर द लैंडर चंद्रयान 2 में, प्रज्ञान टू द रोवर चंद्रयान 3 में, विल बी कैरिड ओवर द ऑनर ऑफ चंद्रयान 2 मिशन, ठीक है। आगे चलते हैं। ये इमेज रोवर की है स्क्रीन के ऊपर, चंद्रयान 3 में भेजा गया था। 142वां साल, देखिए मैंने हिंदी इंग्लिश में वहीं पर कन्वर्ट किया है लैंग्वेज को, जहां पर आवश्यकता है, जहां पर आवश्यकता नहीं है वहां पर मैंने नहीं किया है। कह रहे कि जो मिशन लाइफ है ऑफ द लैंडर एंड द रोवर इक्वल टू, यानी कि मून पे जब लैंडर या फिर रोवर पहुंच जाएगा तो उसकी लाइफ कितनी है, 14 दिन धरती के बराबर, 24 दिन धरती के बराबर, 16 दिन धरती के बराबर, 12 दिन धरती के बराबर। तो ए वाला सही है, 14 दिन है, यानी 14 दिन जो आपकी धरती पर दिन रहेंगे उतने ही लैंडर और रोवर वहां पर सर्वाइव कर पाएंगे मून के ऊपर। ये है ना इक्विवेलेंट टू 14 डेज इसरो के मुताबिक। सारी चीजें यहाँ पर जो है आपको ऑथेंटिकली इंफॉर्मेशन के साथ मिल जाएंगी। जीवन एक चंद्र दिवस है ना, 14 डेज, ऑलमोस्ट 2 सप्ताह। नो योर रोवर प्रज्ञान, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, हो सकता है कि आपको अभी प्रेजेंटेशन में बहुत क्लैरिटी समझ में ना आ रही हो, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे पीडीएफ के फॉर्म में तो आपको काफी क्लैरिटी यहाँ पर जो है समझ में आएगी, है ना। तो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, हालांकि काम भर की चीजें मैंने आपको बता दी हैं जितनी की जरूरत थी। तो वेटिंग था इसका 26 kg के आसपास, स्पीड थी 1 cm/s, ठीक है। और ये आपको ध्यान में रखना है, साउथ पोल रीजन पे ऊपर पहुंचा था लूनर सॉइल के ऊपर सबसे पहले, ये जो लैंडर नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। बाकी चीजें आप जब पीडीएफ मिलेगा तो उसको पढ़ लीजिएगा, जितना आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से नीड है जानने की वो मैंने बता दिया है। चलिए, लॉन्चर इज यूज्ड फॉर चंद्रयान 3, ठीक है। कह रहे हैं कि लॉन्चर जो हमने यूज किया है वो कौन सा है ना, GSLV MK3 है, ये इसका आंसर है। कहाँ है ये रहा, ये इमेज पहले इसका आंसर देख लें, सी ऑप्शन आप देख ही पा रहे होंगे, MK3 है। कह रहे हैं कि विल पोजिशन द, ये इसके रियल इमेज है, जब ये रॉकेट लॉन्चिंग हुआ था, हम बात कर रहे थे ना रॉकेट लॉन्चिंग का खर्चा 250 करोड़ रुपए के आसपास था। तो कह रहे हैं कि मेड्यूल जो था एलिप्टिक वॉकिंग ऑर्बिट का, यहाँ पर मेजरिंग अप्रोक्स 170 × 36,500 किलोमीटर, इतना नहीं आपको जानना है डेटा, है ना, इतना नहीं आपको नीड है। GSLV MK3 का नाम याद रखेगा, लॉन्चर जो था हमारा मिसाइल का, वो जो 250 करोड़ के खर्चे से बना था, ये बात थी, ठीक है। ये आप देखिए जो डिफरेंस है, ये मैंने civilpedia.com से लिया है इमेज, जो आप देख पा रहे हैं ये गया था हमारा चंद्रयान 3 में, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। GSLV MK2 बिल्कुल चंद्रयान 2 की बात हो रही है, PSLV आप देख ही पा रहे हैं, ASLV है और SLV है। तो इस तरीके से मिसाइल्स का मॉडरेशन आप देख पा रहे होंगे। तो जो चंद्रयान 3 में ये सबसे एडवांस लेवल का मिसाइल्स था, जिसमें कि 250 करोड़ रुपए के आसपास हमारा एक्सपेंडिचर था,
आगे मैं आपको पहले इमेज दिखा दूँ। एक तो यह रॉकेट की इमेज आप स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी की अगर हम बात कर लें तो इस इमेज को अगर आप देखेंगे, ये रही, थोड़ा सा क्लोज कैप्शन नज़र आ रहा होगा, ये इमेज है, ठीक है। मेड इन इंडिया भी लिखा हुआ है, काफ़ी चीज़ें मेंशन भी कर रखी हैं। ये देखिए फर्स्ट पेज के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा इसरो, ठीक है। ये हमारा GSLV-3 है, ठीक है, GSLV-Mk-3। PSLV हमारा चंद्रयान-1 में भेजा गया था, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए, ये PSLV था ना, ये चंद्रयान-1 में भेजा गया था। ओके, मिशन कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या था चंद्रयान-3 का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आपसे। मिशन का उद्देश्य कह रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेट करना था रोवर को, ठीक है, रोविंग ऑन द मून, ताकि क्या वो मून के ऊपर चल पा रहा है कि नहीं रोवर। चंद्रमा के सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना था, ये पूछ रहे हैं। यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना था, तो सारे ही थे ना, तो डी ऑप्शन सही है हमारा। ये हिंदी में भी आप देख पाएंगे यहाँ पर, है ना। लैंडर की बिल्कुल हम चेक करना चाह रहे थे कि जो इतनी मेहनत हमने लैंडर और रोवर पर की है, क्या सॉफ्ट लैंडिंग हो पा रही, तो साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग हमारी हो गई। अवलोकन प्रदर्शन भी हो पा रहा था, क्षमताएं अच्छी थी, समझने का प्रयास कर पा रहे थे, अर्थ तक उसकी जो जितने भी इंफॉर्मेशन थी भेजी जा रही थी। मिट्टी पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना था कि क्या वहां पर जीवन संभव है, वहां से हमें क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। और इंटरप्लेनेटरी तात्पर्य दो ग्रहों के बीच मिशन जो हम करना चाह रहे थे अर्थ और मून के बीच में, है ना, उसके बीच में प्रौद्योगिकी विकास और प्रदर्शन, ताकि जो हम इतना बड़ा सिस्टम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, लैंडर है, रोवर है, PSLV चंद्रयान-1 में भेजा, फिर GSLV-Mk-3 में भेजा, 2 वाला हमारा क्रैश हो गया, 950 करोड़ रुपए का ऑलमोस्ट देखा जाए तो पूरे जो है हिंदुस्तान की एक GDP है पूरे कहीं ना कहीं 2-3 साल की, तो वो वेस्ट हो गई, तो उसके ऊपर की फिर क्या, है ना। तो ये भी आप इंग्लिश में भी देख पा रहे होंगे। इंटरप्लेनेटरी रेफरेंस टू द डेवलपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर अ मिशन बिटवीन टू प्लैनेट्स। चलिए, हाउ मच डिड द चंद्रयान-3 मिशन कॉस्ट, तो कितना कॉस्ट था, अभी अभी हमें हमने पढ़ा भी यहाँ पर, है ना। तो टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 600 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने कॉस्ट जो है कही है। ये आप देख, चंद्रयान-3 का जो मिशन है टोटल कॉस्ट लेसर देन चंद्रयान-2। चंद्रयान-2 का था 950 करोड़ के आसपास, 3 का कॉस्ट था हमारा यहाँ पर 650 है, 600+ करोड़ ही है। 250 का लैंडर था हमारा यहाँ पर, ठीक है, और कुछ मिलाकर के 300-350 के आसपास हमारा जो मिसाइल का जो कॉस्ट आया था पूरा। ये इसरो का जो पूरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट की इमेज है, कुछ ऐसे ही चीजें नजर आती हैं अगर आप कभी विजिट किए होंगे एग्जीबिशन के तौर पर, अगर आपका चक्कर कभी लगा होगा, नहीं है तो जरूर जाइएगा। टोटल वेट पूछ रहे हैं कितना है जी चंद्रयान-3 का, दो तरह का क्वेश्चन पूछा है, टोटल वेट पूछा है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ इसका नहीं आपसे वेट पूछा है, लैंडर का मिला करके रोवर का मिला करके कितना टोटल वेट है, तो कह रहे हैं कि 3900 किलोग्राम वेट है हमारा पूरा, यानी कि जो प्रपोजल मॉड्यूल है उसके साथ साथ 2148 और 1752 किलोग्राम के आसपास, दोनों को लैंडर को भी मिला दे और जो प्रोपोल्यूशंस मॉड्यूल है दोनों को मिला दे, तो कुल मिला करके यहाँ पर जो कॉस्ट निकल के सामने आएगी, तो 300 जो है किलोग्राम प्लस वेट हमारा यहाँ पर जा रहा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 147वां कह रहा है कि वन थिंग चंद्रयान-3 हैज नॉट इन चंद्रयान-2। अच्छा सवाल है, स्ट्रामा करियो इंपॉर्टेंट है। दोनों को अगर देख लें तो कह रहे हैं कि लेजर डॉपलर है यहाँ पर, वेलोसिटी लेजर डॉपलर, समझ रहे हैं आप। बहुत अगर आम भाषा में समझाऊं तो मार्केट में लेजर्स आते हैं, लेजर्स जो रैंडम्स लेजर्स होते हैं, या फिर कभी अगर आपकी टीवी बंद हो गई है देखिएगा तो वहां से हमेशा एक जो है लेजर ग्रीन कलर या रेड कलर का जो है हमेशा बीप करता रहता है, तो वो भी एक लेजर का काम करता है। तो लेजर डॉपलर वेलोसिटी है, ये डिफरेंस था। लेजर आधारित जो है इंट्रा फेरोमेट्री था, या फिर कह रहे हैं कि अल्ट्रासोनिक था डॉपलर मॉड्यूल, या फिर मॉड्यूलर ट्रैजिक वेलोसिटी की बात हो रही है। तो डिफरेंस क्या था 2 और 3 में? 3 वाले में वेलोसिटी था, ये 3 वाले में कहाँ गया, माफ कीजिएगा 2 वाले में, ठीक है, 3 वाले में यहाँ पर लेजर था, है ना। तो ये डिफरेंस था दोनों में, 3 वाले में ये था लेकिन 2 वाले में लेजर नहीं था,
लेजर मिसिंग था, वेलोसिमेट्री था, जिसकी जिसकी कॉजिंग बाद में जो है फेल हो गई, जिसके चलते चीजें जो है खराब हुई और क्रैश हो गया। ये आप देखेंगे चंद्रयान थ्री में, ठीक है, चंद्रयान थ्री में ओनली 4 थ्रॉटल एबल एनर्जाइजर इक्विप्ड विद लेजर डॉपलर वेलोसिटी। लेजर डॉपलर वेलोसिटी थी चंद्रयान थ्री में, टू में ये नहीं थी, ये डिफरेंस है। ये देखिए ये 2 की इमेज है, ये 3 की इमेज है, ठीक है। ये विक्रम रोवर है, ठीक है, और ये आपका प्रज्ञान क्या है, लैंडर है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। टाइम्स नाउ की इमेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसिंग इन चंद्रयान थ्री? क्या चंद्रयान थ्री में मिसिंग था? रोवर था, लैंडर था, ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर किस में था? 1 में था, ठीक है। रोवर किस में था और लैंडर किस में था? अगर आप इन दोनों के डिफरेंस को जान जाएंगे, ऑर्बिटर तो था ही नहीं, तो हालांकि इसका ऑप्शन सी ये वाला सही है, मैं दिखा भी दे रही, ठीक है। ऑर्बिटर इज कंप्लीटली करेक्ट वन, इसकी हम बात कर रहे हैं। ऑर्बिटर नहीं था, ऑर्बिटर हमारा किस में था? चंद्रयान 1 में। 2 वॉज फिटेड विद द लैंडर विक्रम, है ना। तो लैंडर किस में था, यहां पर अगर आ जाते हैं, लैंडर किस में था? चंद्रयान 2 में। विक्रम नाम था इस लैंडर का, ठीक है। रोवर किस में था? चंद्रयान 3 में। क्या नाम था? प्रज्ञान, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, मैंने बता भी दिया आपको, पॉज करके पढ़ लीजिएगा हिंदी में भी क्या लिखा है, ठीक है। अब हमने जो पढ़ा था, जो प्रोपोल्यूशन मॉडल था, जिसकी वेट की बात करे थे, दोनों के वेट को, लैंडर और इसके वेट को अगर मिला ले तो क्या है, ये तो इसका इमेज है, पहले आपको ये देख लेना है प्रॉपर मडेओल क्या है, ठीक है। और साथ में सवाल पढ़ लेते हैं पहले, हालांकि ऑप्शन नंबर ए सही है, देख लेते हैं। कह रहे हैं कि है क्या ये, डिजाइन क्या है, कह रहे हैं कि ये काम करता है एक बॉक्स जैसी एक स्ट्रक्चर फॉर्म है, इसमें सोलर पैनल क्या है साइड में, सिलेंड्रिकल ऑन द टॉप लगे रहते हैं, रेक्टेंगुलर होता है स्ट्रक्चर में, सोलर पैनल्स चारों तरफ लगे होते हैं, क्यू फॉर्म में होता है, या फिर नन ऑफ द अबव है। तो बिल्कुल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ये आपका, यहाँ पर इमेज वो बड़ी वाली नहीं है, मैं आपको अगर यहाँ पर दर्शाऊंगी तो आप ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। मैंने भी हाल फिलहाल में, आप ये देखिए, ये जो चीज आपको नजर आ रही है ना, इस सोलर पैनल की बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन मॉड्यूल भी आपका यही है, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका वेट और लैंडर जो हमारा गया था रोवर, उन दोनों का वेट मिला करके, ये सवाल हमने भी पढ़ा भी था। तो कह रहे हैं कि सिलेंड्रिकल इन द फॉर्म था, इंटरमॉड्यूल था, अडेप्टर की तरह काम करता है, विल सर्व एज ए लैंडर माउंटिंग फ्रेमवर्क, है ना। तो इस चीज का ध्यान, जो लैंडर के बिल्कुल ऊपर की तरफ लगा हुआ था। डायरेक्टर कौन है जी यहाँ पर चंद्रयान 3 के मिशन का, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सवाल पूछ सकते हैं आपसे। तो रितु कारिधल जी हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ, महिला हैं, बिल्कुल आप भी देख पा रहे हैं, ठीक है। इनको जो है प्रोमिनेंट साइंटिस्ट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो है प्रोमिनेंट साइंटिस्ट के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने एक लीडिंग रोल प्ले किया चंद्रयान 3 में इस साल, है ना। इनका नाम याद रखिएगा, सीनियर साइंटिस्ट है इसरो की, ठीक है। सीनियर साइंटिस्ट और हेड में डिफरेंस है, जो मैंने शुरू में सवाल आपसे पूछा था। चंद्रयान 3 को कह रहे हैं कि लैंड ऑन द मून, कह रहे हैं कि वेन विल, साउथ पोल में हुआ था ये, मैंने शुरू में भी आपसे बताया था, ठीक है। तो दुनिया का सबसे पहला देश भी बना, इस चीज को आपको नहीं भूलना है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, कह रहे कि मिशन है जो एक्सप्लोर करता है साउथ पोल मून पे, बिकॉज जो साउथ पोल है वहां पर रिच इन वाटर राइट, ये आपसे ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता है कि साउथ पोल के ऊपर रीजन क्या था, स्टार मार्क कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट है कि क्या रीजन था साउथ पोल के ऊपर ही लैंड करने का। तो यहाँ पर वाटर जो है, आइस किंग की बात हो रही थी, वैल्यूएबल रिसोर्सेज थी ना, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स में अभी भी बात की कि भाई यहाँ पर स्मूथ तरीके से काम हो रहा है कि नहीं, भविष्य में यहाँ पर जो आईटी के सेक्टर में हम काम कर सकते हैं, लूरन एक्सप्लोरेशन के बारे में बात कर रहे थे। लॉट ऑफ साइंटिस्ट पोटेंशियल लैंडिंग देयर, तो ये नॉर्थ पोल पे कह रहे हैं कि ये पोटेंशियल कम था नॉर्थ पे, लेकिन साउथ पे ज्यादा था, साउथ पोल पे, तो यहाँ पर जाने की हमारी जरूरत ज्यादा थी, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। और एक सुंदर पिक्चर स्क्रीन के ऊपर, साउथ पोल मून लैंडिंग फर्स्ट एवर, जो आप देख पा रहे हैं, है ना। ये क्लोज कैप्शन है जो देख पा रहे हैं, ये मून जो हम अपनी धरती से देखते हैं, ठीक है। और ये आप इमेज देख पा रहे हैं, और एक इमेज आप यहाँ पर भी देखेंगे, ये है आपका प्रज्ञान, ठीक है। क्या है ये?
लैंडर, ठीक है, और ये है आपका JSLV MK3, ठीक है, ये इसका नाम है, ये आपका लॉन्चर है, ठीक है जी। चलते हैं आगे, कह रहे हैं कि चैलेंजेस क्या हैं इसरो के सामने फिर चंद्रयान मिशन 3 को लेकर के। तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि रोवर विल, ओके, मैंने यहाँ पर आपसे कहा लैंडर, माफ कीजिएगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये आपका रोवर है, इट्स नॉट अ लैंडर। लैंडर आपका विक्रम था, ठीक है, विक्रम गया था चंद्रयान 2 में जो फेल हो गया था मिशन हमारा, ठीक है, ये लैंडर नहीं है, दिस इज द रोवर, माफ कीजिएगा। चलते हैं आगे, कह रहे हैं कि चंद्रयान 3 में जो आपका रोवर गया था, यहाँ पर हमने मिशन जो चैलेंज फेस किया वो क्या क्या था। सबसे पहले था कि भाई सरफेस के ऊपर काफी हार्श है हमारा, है ना, जो सरफेस के ऊपर, लूनर सरफेस के ऊपर गया वो काफी हार्श था। फिर कह रहे हैं कि लैंडिंग जो है नियर साउथ पोल के पास हो पाई, है ना, ये तो हमने जाना कि भाई आइस वाटर का यहाँ पर बढ़िया चीजें रही, रिमोट था, अनएक्सप्लोर्ड रीजन था, या कम्युनिकेट जो है हम कर पाए अर्थ से, बट द मून एटमोस्फेयर इज वेरी थिन, मे कम्युनिकेशन डिफिकल्ट, या ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ये आप देखेंगे हिंदी में भी प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये इमेज मैं दिखा देती हूँ, हालांकि सारे ही सही हैं। यहाँ पर लैंडर जो है ये देखना था हमें कि स्मूथली लॉन्च हो पा रहा है, हमें ये देखना था कि साउथ पोल में जाने के बाद क्या स्थिति बनती है, और चंद्रयान में वातावरण क्या अनुकूलित है कि हम आगे आने वाले भविष्य में काम कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। टेक ऑफ श्रीहरिकोटा, ठीक है, यहाँ से निकला सबसे पहले, ये जो स्टेप्स लिखे हैं ये आपका मून है, PDF मिलेगी तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये मैं आपको एक बार जो है इमेज अपनी हटा करके कोशिश करती हूँ दिखाने के, ठीक है, ये चलिए देखते हैं, है ना, ये देखिए, तो ये है जी 6 स्टेप्स में हम पहुंचे थे मून के साउथ पोल पे। ये मून आपको नजर आ रहा है, ये साउथ पोल आप देख ही रहे हैं, साउथ, अगर आपने कभी ढंग से अर्थ को देखा होगा तो अर्थ का जो साउथ पोल के ऊपर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। टेक ऑफ फ्रॉम हरिकोटा इंडिया, ठीक है, रॉकेट डिटैच हो गया, फिर 2 स्टेजेस में आगे जा करके यहाँ पर जब पहुंचा, 3 में आते आते कह रहा है कि चंद्रयान 3 में ऑर्बिट द अर्थ इन द फ्रेजेस अंटिल इट एंटर्स द मून ऑर्बिट, ठीक है, ये ऑर्बिट्स को आप देख पा रहे हैं, ये सारे रिंग्स के ऊपर जब भी चक्कर लगा लेगा तो आखिर में पहुंचेगा ये अंदर की तरफ। उसके बाद कह रहे हैं कि मॉड्यूलर एंटर्स लूनर ऑर्बिट, ये पहुंच गया, यहाँ से चक्कर लगाते लगाते पहले पहले यहाँ गया होगा, फिर यहाँ, फिर इसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद घूमा, फिर यहाँ, उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, मॉड्यूलर एंटर लूनर ऑर्बिट यहाँ पर, फिर जैसे इसने ऑर्बिट में यहाँ चक्कर लगाया था फिर वैसे ही मून का चक्कर लगाएगा, फिर सबसे बाहरी स्तर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और फिर एंटर कर गया साउथ पोल में, लैंडर नियर द साउथ पोल ऑफ द मून, जिस लैंडर की हम बार बार बात कर रहे हैं, है ना, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन BBC की तरफ से इमेज ली गई है, तो ये ध्यान में रखिए, ऑथेंटिक इमेज है, ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है ना कि भाई हरिकोटा से, श्रीहरिकोटा से इसरो से निकला लॉन्चर और जाकर के मून पे चला गया, नहीं, कुछ प्रोसेस को फॉलो करते हुए निकलेगा ना। अब कोई भी चीज है आपके हाथ में, अगर कोई भी बॉल अगर आपके हाथ में है तो बॉल स्विंग करके ही जाती है ना, ऐसा थोड़ी ना कि आपने बॉल हिट किया और सीधे जाके हिट हो गई, कुछ तो उसका, जब तक वो उस पर्टिकुलर एम को हिट करेगी तब तक तो वो स्विंग होती रहेगी ना। या फिर अगर आपने मैग्नेट्स देखे होंगे, ठीक है, या फिर अगर इस पेन को भी अगर आप अपने टेबल पे घुमाएंगे तो वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में घूमता है, फिर उसके बाद एक पॉइंट पे आके हिट होता है, तो ऐसे ही बिल्कुल अर्थ और मून का भी जो लॉन्चिंग हुआ था कुछ ऐसा ही था। चलिए, तो चंद्रयान 3 कह रहे हैं कि मिशन विल फेस अ नंबर ऑफ अ चैलेंजेस इंक्लूडिंग द हार्श लूनर सरफेस, फिर रिमोट लैंडिंग साइट थी, और उसके बाद डिफिकल्ट कम्युनिकेशन कंडीशंस थी, अच्छी बात ये थी कि हम कामयाब रहे। और मैं अपनी इमेज को ले आती हूँ वापस, क्योंकि काम की चीज मैंने आपको अब दी है, बता, चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्सेसफुली लैंड स्पेस क्राफ्ट ऑन द मून, ठीक है, फोर्थ कंट्री कौन सी बन गई है जी, बताइए। अभी अभी हम साउथ पोल का जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल यहाँ पर देखिए, फर्स्ट 3 कंट्री टू सक्सेसफुल लैंड स्पेस क्राफ्ट ऑन द मून वर द US, रशिया, चाइना, और चौथा कौन है, इंडिया, ठीक है। 7 सितंबर 2019 को हमने फोर्थ कंट्री के रूप में जाना, और चंद्रयान 2 जो है लैंडर विक्रम सक्सेसफुली टच डाउन ऑन द लूनर सरफेस।
आगे चलते हैं। कैरिड बाय लैंडर एंड द रोवर इन द चंद्रयान। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है लैंडर और रोवर, कौन से वैज्ञानिक उपकरण ले जाएंगे? दोनों को लेके जाने वाला है तो कोई ना कोई चीज चाहिए ना। तो क्या होगा? सरफेस साइंस इंस्ट्रूमेंट होगा, एटमोस्फेरिक होगा, एटमोस्फेरिक चीजें आपका जो वायुमंडलीय विज्ञान उपकरण वो होगा, वाटर साइंस इंस्ट्रूमेंट होगा, या ऑल ऑफ द अबव होगा। तो बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव की हम बात कर रहे हैं, यानी कि तीनों ही एलिमेंट इंपॉर्टेंट है आपकी। वाटर साइंस इंपॉर्टेंट है, एटमोस्फेयर भी, और सरफेस साइंस भी, इंस्ट्रूमेंट्स भी आपके इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको लैंडर में और रोवर में चंद्रयान 3 तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, लैंडर एंड रोवर एंड विल स्टडी द कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ द लूनर सर्फेस। कौन करेगा? लैंडर और रोवर। एंड कंपोजिशन एंड द डायनेमिक्स ऑफ द लूनर एटमोस्फेयर एंड द सर्च ऑफ द वाटर आइस ऑन द मून। वही तो करेगा जो हम वाटर सर्फेस साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, जो हमारा थर्ड पॉइंट था ये वाला। यही तो ढूंढेगा जाके साउथ पोल के ऊपर कि भाई वाटर अवेलेबल है इसके ऊपर, यही तो बता रहा है। कब जी लॉन्च हुआ था, है ना? एक दो हमने चीजें पढ़ी थी, एक तो लैंडिंग पहुंच गया कब, 23 अगस्त 2023 को, है ना? जरा मुझे बताइए, अभी भी मैंने पढ़ा है कि लॉन्च कब हुआ था जी, कब हमने लॉन्च कर दिया था? 1 महीना 9 दिन का अंतर था, पीछे चले जाना आप उतने दिन, हिंट कर दिया है। सेट टू मेक अ सॉफ्ट सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन द साउथ पोल, 6:04 शाम को हो गया था जी, टुडे, मतलब अगस्त 2023 को। ठीक है, चंद्रयान 2 वेलकम कैसे करता है जी चंद्रयान 3 का, यानी जब अब चंद्रयान 2 का मिशन क्रैश हो गया, खराब हो गया, चंद्रयान 3 क्या बोलेगा? वेलकम बड़ी, हाय बड़ी, हेलो बड़ी, या क्या बोलेगा? सी कह रहा है कि यहाँ पर वेलकम बड़ी बोलेगा, स्वागत है तुम्हारा। इसरो इन्फॉर्म द चंद्रयान 2 ऑर्बिटर विच हैज बिन द लूनर ऑर्बिट, है ना, एंड एस्टेब्लिश कर रहा है कनेक्शन को चंद्रयान 2 और 3 के बीच में। मॉड्यूलर जो आपका विक्रम का है, और रोवर जो है यहाँ पर बिल्कुल बीच में। कितना मिशन कॉस्ट था टोटल अगर देखा जाए तो, चंद्रयान 3 के मिशन के टोटल कॉस्ट की अगर बात करें तो $74 मिलियन था हमारा, ठीक है, के सिवन जी के हिसाब से बताया गया है। हालांकि आपसे इतना नहीं पूछेगा बट फिर रैंडम है तो क्वेश्चन याद रखिएगा। रॉकेट वुमेन बिहाइंड चंद्रयान 3 मिशन में कौन थी जी? ठीक है, अगेन रितु करिधल जी का नाम नहीं भूल सकते, सीनियर साइंटिस्ट के तौर पर जानी जाती है, लीडिंग महिला के तौर पर उन्होंने यहाँ पर काम किया था, है ना? ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, आप देख पा रहे होंगे, रॉकेट वुमेन के नाम से जाना जाता है। स्टार मार्क कर रही हूँ, 23 अगस्त को हम स्पेस डे के नाम से जानते हैं, ठीक है। गया कौन था इसके ऊपर? रोवर गया था, नाम क्या था? प्रज्ञान। चलिए, लैंडर कह रहा है विक्रम टच द लूनर सरफेस, कब कहाँ किसकी बात हो रही है? चंद्रयान 2 की बात हो रही है, ठीक है। लूनर सरफेस को कब टच किया था? टाइमिंग पूछ रहा है, 6:04 जो हमारा ये वाला, ठीक है, ये आपका मून है, ये इसको हम बोल रहे हैं ऑर्बिट, जो चक्कर लगा रहा है, ठीक है, और ये चक्कर लगाते लगाते पहुंचेगा फिर यहां पर। तो 23 अगस्त को पहुंचा था, कह रहे हैं कि लैंडर विक्रम टच द लूनर सरफेस ऑन 6:04 पर, तो हमने माना कि उसने लैंड कर दिया है सक्सेसफुल तरीके से। सेलिब्रेट एज अ स्पेस डे, है ना, चंद्रयान डे तो कुछ है नहीं, इसरो डे है नहीं, नेशनल स्पेस डे नहीं, स्पेस डे ओनली। पीएम मोदी जी ने यहाँ पर अनाउंस किया था कि चंद्रयान 3 का जो नेशनल स्पेस डे है उसको हम इस तरीके से ना, ओके, नेशनल स्पेस डे है जी, माफ कीजिएगा, स्पेस डे नहीं है, नेशनल स्पेस डे है। चलिए, कह रहे हैं कि चंद्रयान 3 लैंडिंग स्पॉट क्या है, जैसे वो लैंड किया होगा चंद्रयान 3 मून के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर लैंड किया था उसका नाम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट, ये है ना, शिव शक्ति पॉइंट, ये आंसर सही है आपका। इसके अलावा दो और हैं, एक जवाहर पॉइंट है, तिरंगा पॉइंट है ना, देखते हैं क्या है ये दोनों। शिव शक्ति पॉइंट ये देखिए, जो इमेज मैंने आपको लास्ट में भी दिखाई थी साउथ पोल के ऊपर, जैसे उसने एंट्री की, शिव शक्ति पॉइंट बोला हमने उसको, ये आप देख, वेनेसडे विल बी नेम्ड शिव शक्ति पॉइंट। जवाहर पॉइंट ऑन द मून कह रहे हैं, नियर द इक्वेटर पोलर रीजन था, स्केलेटन सेंटर क्रेटर रीजन ऑफ द मून था, साउथ पोल था, तो साउथ पोल के ऊपर तो चंद्रयान 3 पहुंचा था जिसको हमने शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया, तो ये तो है नहीं, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं कि अगर राइट आंसर की बात करें तो सी सही है, चंद्रयान का शेक्लेटर क्रेटर क्षेत्र था वहां पर, ये सही है। ये है देखिए, चंद्रयान 1 में जोहर पॉइंट था, सक्सेसफुल रहा, ऑर्बिटर गया था यहाँ पर, ठीक है। 2 में
विक्रम लैंडर गया था, ये इमेज दिख रही है, उसका नाम था तिरंगा पॉइंट। हालांकि क्रैश हो गया था, कामयाब नहीं हो पाया। चंद्रयान 3 वाला शिव शक्ति था, रोवर गया था, नाम प्रज्ञान था। कब गया था? 23 अगस्त को पहुंचा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लैंड हुआ था, लैंड ही पूछेगा आपसे, लॉन्चिंग नहीं पूछेगा। चंद्रयान 1 इट वॉज द सजेस्टेड बाई एपीजे अब्दुल कलाम, तो कलाम जी ने नाम रखा था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जवाहर शथल स्थल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसकी बात हो रही है चंद्रयान 2 की, 1 में, चंद्रयान 1 की। ठीक है, यहाँ पर 2 में तिरंगा पॉइंट था, 3 में शिव शक्ति पॉइंट। कैस्ट पेलोड सेंड द मैसेज अबाउट, वही पेलोड जो बहुत बढ़ गया था 2 में, फिर क्रैश हो गया था। टेम्परेचर प्रोफाइल फॉर टॉप सोइल, आइस एंड वाटर लेवल ऑफ द मून, नन ऑफ द अबव। तो अभी अभी हम क्या कह रहे थे कि हम साउथ पोल पे क्या ढूंढने गए थे, हम साउथ पोल पे गए थे आइस एंड वाटर लेवल ऑन द मून ढूंढने, लेकिन कैसे, जब यहाँ पर टॉप ऑफ द सोइल, जो ऊपर की सॉइल होगी वो टेम्परेचर के अनुकूल होगी, तो ऊपरी मिट्टी का जो तापमान प्रोफाइल था वो हमें कास्ट पेलोड सेंड करता है, मैसेज बताता है कि यहाँ की जो मिट्टी है वहां पर और कार्य किए जा सकते हैं। इसके फुल फॉर्म है, ठीक है, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल, थर्मोफिजिकल की बात हो रही है। एक्सपेरिमेंट्स मेजर द टेम्परेचर प्रोफाइल ऑन द लूनर टॉप सॉइल, लूनर का जो बिल्कुल टॉप सॉइल है। अंडरस्टैंड द थर्मल बिहेवियर ऑफ द मून सरफेस, मिट्टी के हिसाब से जान पाते हैं ना कि अभी कहाँ की इन्वायरमेंट कैसी है ना। अब आप जा करके यहाँ पर नागालैंड में आप काली मिट्टी ढूंढेंगे तो पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि वहाँ तो मैक्सिमम पहाड़ी इलाकों में, हम मेघालय रीजन में, आसाम में तो चाय की खेती करते हैं, तो कहीं की जो सॉइल होती है या वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है या थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वहाँ के सरफेस की और वहाँ के नेचर और बिहेवियर के बारे में बताते हैं कि कितना यहाँ पर जीवन आपका सक्सेसफुल है। फर्स्ट फीमेल कौन थी जी? वमित्रा चर्चा में है आजकल, ये पूछ सकते हैं सवाल आपसे। पहले की बात हो रही है, मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बनने वाली पहली महिला रॉबर्ट का नाम क्या था? इमेज देखे स्क्रीन के ऊपर है, टॉकिंग ह्यूमन रॉबर्ट टू बी सेंट ऑन अ गंगायान। ठीक है, रॉबर्ट जिसे कि भारतीय अंतरिक्ष इसरो में, ठीक है, विकसित किया गया था। ठीक है, केमिकल एलिमेंट फाउंड ऑन चंद्रयान क्या था जी? सल्फर। ठीक है, स्पेस 3 में मिशन मून रोवर भेजा गया था प्रज्ञान, फाउंड सरप्राइजिंग ट्रेसेस ऑफ सल्फर विद इन द लूनर साउथ पोल। और यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि मेजर क्या है, रंभा को ही बारे में मेजर ऑन द मून, तो प्लाज्मा है। क्या मेजर कर रहा था? प्लाज्मा मेजर कर रहा था। ठीक है, फर्स्ट इन सीटू मेजरमेंट ऑफ द सर्फेस बाउंड लूनर प्लाज्मा इन्वायरमेंट ओवर द साउथ पोल रीजन, जो मून के ऊपर पहुंचा, कैरीड आउट द रेडियो एनाटॉमी ऑफ द मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनर आयन स्फेयर एटमोसफेयर लैंगमोइर प्रॉप, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं रंबा, प्ले माफ कीजिए प्ले लोड 1 बोर्ड चंद्रयान 3 लैंडर। ठीक है, नाम क्या था? प्रज्ञान। बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये सवाल पूछेंगे आपसे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको यहाँ से, इन सवालों को जरूर देख लीजिएगा, इन शॉर्ट काफी आसान है। एक दो बार वीडियो को आप 2x करके भी देखेंगे तो चीजें वैसे याद हो जाएंगी, और यूट्यूब से आप आके तैयारी कर सकते हैं, आप KVS के इंटरव्यू, DSSSB की तैयारी, साथ में AMIS की तैयारी तो हम करवा रहे हैं, लेक्चर जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। ठीक है, तो आप इसको अभी देख पाएंगे। जाने से पहले एक सुंदर इमेज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसके साथ मैं आपको इस वीडियो में विदा करूंगी, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट्स के साथ। GS का ये लेक्चर काफ़ी खास रहा, इस लेक्चर के साथ साथ ही हिंदुस्तान को बहुत बहुत मुबारकबाद चंद्रयान 3 के लिए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में रिसर्च में, स्पेस में और रिसर्च के सेक्टर में हमें भी एक अच्छा मौका दिया जाए, जहाँ पर लोग अपने जीवन के और भविष्य को बेहतर बना पाए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी एवरीवन।